श्री सद्गुरु महाराज की जय। महाराज की जय। सद्गुरु महाराज की जय। माताओं एवं बहनों, आज हम जब आ रहे थे नागपुर स्टेशन में एक बड़े प्रतिष्ठित संपन्न घनी आदमी हमारे पास गए। हम उनको पहचानते नहीं थे, लेकिन उन्होंने अपना जो परिचय दिया तो उनके पिता बहुत बड़े सत्संगी बड़ा श्रद्धालु थे, तो ले आए अपने घर पर। वहाँ स्नान किए, जलपान करके अब चलेंगे तो नागपुर के बहुत बड़े धनी आदमी, उनका नाम धर्मपाल, तो वो आगे उनकी पत्नी थी। तो हमने कहा कि सुनिए, लक्ष्मी को चार पुत्र है, आप जानते हैं लक्ष्मी के चार पुत्र धर्म अग्नि निपचोर, जेठे को माने नहीं तो तीन मचावे शोर। लक्ष्मी जी को चार पुत्र है, लक्ष्मी पूजा तो करते हैं लेकिन उनके पुत्रों को नहीं जानते। धर्म सबसे बड़े हुए धर्म, और उसके बाद है अग्नि, उसके बाद है राजा, उसके बाद है चूर। जेठे को माने नहीं, जेठे कौन हुआ बड़ा धर्म, उनका जो धर्म को नहीं मानेगा तो तीन बचाव चूर, कभी अग्नि बड़े बड़े अग्निकांड होता रहता। तो अग्निकांड हो जाए राजा तो ताक में रहते कि तो कितना धन है उनको उतना टैक्स लगाओ, और चोर तो लगे ताक में रहता है कि तीनों चोर को मतलब आप धन को धर्म में खर्च करेंगे तो इस तीनों का कुछ नहीं चलेगा। तो उनका नाम था धर्मपाल। हमने कहा कि देखिए आप तो लक्ष्मी के बड़े पुत्र हैं धर्मपाल, धर्म को पाने वाले, तो आपको हम क्या सुनावा। लेकिन एक बात याद रखिए, जा घर गुरु की भक्ति नहीं, जिस घर में लोग गुरु की भक्ति नहीं करते हैं और शांत नहीं मेहमान, जिनके घर में कोई साधु महात्मा नहीं आए तो घर कैसा होता। जाके घर घर जम डेरा किया, उन्हीं के हाथ जम डेरा बनाते हैं। तो याद रखिए, जादे जिनके घर में साधु महात्मा आ जाए तो साधु होना चाहिए। आजकल साधु सब जेल जा देते हैं, बड़े बड़े विख्यात सब जेल में जा रहे हैं, तो वैसे साधु नहीं। हमने कहा साधु किसको कहते हैं, साधु संत वो होते हैं साधु सोई निर्मल गुलजार, जिसका गुण पवित्र हो। कोई साधु का गुण पवित्र कैसे होगा, बारह दृष्टि करे बिहारा,
उनका जो गुरु के बताए मुताबिक अपने दृष्टि को अंदर में घुमाते हैं, जहां लगाना चाहिए लगाते हैं, तो यार प्रकाश हो जाता है। आप सब कोई अपनी अपनी आंख बंद करके देखिए, सब अंधकार में है कि नहीं है? अब उस अंधकार में प्रकाश कैसे होगा जानते हैं? अंधकार में है अंधकार में प्रकाश कैसे होगा, यही थोड़ा सुनिए। भगवान राम के भक्त थे हनुमान जी, हमारे प्रोफेसर साहब जो है इनके बगली में है हनुमान जी का मंदिर। एक बार वहां सत्संग भी हम किए तो हनुमान जी की आज पूजा कितनी हो रही। हनुमान जी को भगवान राम ने कहा है हनुमान बहुत सात कथा खंसारो मंथन विषय के, बहुत से शास्त्रों को मथना छोड़ो। हनुमान जी कहते कि भगवान तो क्या करें, भगवान राम कहते अनवस्तव्य प्रयत्न मारते ज्योति राम, कोशिश करके अपने अंदर में जो प्रकाश है, सब जितने माई भाई हैं यहाँ आए हैं, जो नहीं आए हैं सबके अंदर में प्रकाश है, लेकिन जानते हैं प्रकाश कैसे मिलेगा? यहीं पर गुरु की जरूरत होती है। बिना गुरु से प्रकाश कैसे होगा नहीं कोई जान सकता है। कलकत्ते में एक महात्मा है थे जिनके सत्संग में लाखों की भीड़, कलकत्ता से टाउन में बहुत उनके एक शिष्य आ गए मेरे पास और कहने लगे कि आप लोग कहते हैं गुरु करो, जो महात्मा जी है बड़े विद्वान, ये तो कहते गुरु नहीं करो, भगवान को मानो, भगवान की पूजा करो, भगवान ही गुरु है। हमने कहा सुनिए, आप जाइए महात्मा जी के पास, अब हमारी ओर से पूछिएगा कि जब भगवान ही गुरु है तो भगवान राम भगवान कृष्ण भगवान से गए थे, ठीक नहीं? तो भगवान राम को तो गुरु होते तो भगवान राम गुरु क्यों किए? जानते भगवान राम को दो गुरु वशिष्ठ जी और विश्वामित्र, भगवान कृष्ण को भी दो गुरु संदीपन ऋषि और गर्ग मुनि। तो हमका ही कौन महात्मा है भगवान को गुरु माने करता है? भगवान के अनुसार कम क्या था इनके भगवान को कि दो दो गुरु किए? हमारी ओर से पूछिएगा उनसे, और नहीं कुछ जवाब है तो हमको बुलाएगा, हम बात करेंगे। तो याद रखिए, बिना गुरु से हनुमान जी को भगवान राम ने कहा कि प्रकाश की खोज करो, यही याद रखिए। प्रकाश की खोज सबको करते हैं, इस खोज करने के लिए जो युक्ति है जो जतन है वो बताने वाले गुरु होते हैं। हनुमान जी को भगवान राम बतला दिए कि कैसे प्रकाश की खोज करोगे, आज जब तो हम लोग कैसे नहीं थे, हनुमान जी तो भक्त थे, इतना प्रेम से उन्होंने प्रकाश का ध्यान किया, उस ध्यान में उनको प्रकाश मिल गया। प्रकाश में जो चले जाते हैं उनका के नमूना क्या बनते, भगवान राम लंका गए तो पुल बनवा के तब गए थे, हनुमान जी सीधे लंका और भारत के बीच में कितना बड़ा समुद्र है,
और हनुमान जी सीधे फाल के चले गए। ये प्रकाश में जो बड़े बड़े विद्वान हैं, राष्ट्रपति हो के प्रधानमंत्री हो, बिना हवाई जहाज के लंका जा सकते हैं, हनुमान जी कहाँ से हवाई जहाज लाए, ऐसे फाल के चले गए। अभी भी जो कोई जिसकी जुक्ति जान कर अपने अंदर प्रकाश की खोज करेंगे, जिनको प्रकाश हो जाएगा तो आकाश में सर जहां चाहे वहां जा सकते हैं। यह प्रकाश का महत्व है। इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं कि जो गुरु प्रकाश करा दे उन्हीं की वंदना करते हैं कि बंदव गुरुपद कंद कृपा सिंधु नर रूप है, गुरु मावने से कृपा के समुद्र। और क्या करते हैं, महामोह संपूर्ण आंख बंद करने पर जो अंधकार देखते हैं वो जुक्ति बतला देते हैं तो प्रकाश जासन रंग कर जैसे सूर्य के उगने से रात्रि अंधकार भाग जाती है, अंधकार भाग जाता है, रात्रि चली जाती है, सूर्य उगा रहे रात होगी, सूर्य उगा हुआ है अंधकार रह नहीं सकता है। उसी तरह से जब जो कोई गुरु के शरण में जाएंगे, गुरु की कृपा हो जुक्ति मिलेगी तो आकाश में घूम सकते हैं। इसके लिए खाली सुनने से नहीं होगा, कहने से हम कहने तो हो जाएगा सुनने, इसकी जुक्ति है जान के कीजिए। इसी के लिए गुरु की जरूरत होती है। तुलसीदास जी रामायण में लिखते हैं कि बिन गुरु भवनिधि तरे न कोई, भवनिधि संसार समुद्र, इस संसार जिसमें है, इस संसार आज तक कोई नहीं आए जिनको सुखी सुख और दुख नहीं हो। भगवान राम के पिता थे राजा दशरथ, जिनको तीन रानियां चार पुत्र, भगवान राम भरत जी लक्ष्मण जी शत्रुघ्न, चार पुत्र, धन धन की तो कमी नहीं, धन राना जो कुबेर धन के देवताओं में धन के देवता है कुबेर, और राजा दशरथ के पास इतना धन था कि कुबेर राजा जाते, तो धन की भी कमी नहीं। महाराजा थे वो भी रोग के मरे कि नहीं मरे, खूब याद रख लीजिए। तो आदमी कोई भी है, मरना तो सबको पड़ता है, लेकिन मर करके कौन कहाँ जाते हैं ये कोई नहीं कह सकता। जो गुरु से दीक्षा लिए हैं, तो भगवान श्री कृष्ण की गीता पढ़ के देखिए, छठे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं प्राप्त पुण्यकृतां लोकांश सूची नाम श्री बताएंगे, जो वस्तु विचार थे जो योग की युक्ति गुरु बतला दिए है, थोड़ा भी करेंगे तो कहां जाएंगे, जहां पुण्यात्मा धर्मात्मा मर के जाते हैं स्वर्ग, वहां जाएंगे, वर्षों विश्वास हो गएंगे। और जब इस धरती पर आकर जन्म होगा, मामूली कुल में नहीं, पवित्र और श्रीमान कुल में जन्म हो, यही गुरु युक्ति का महत्व है। थोड़ा भी करने पर कितना लाभ होता है, इसीलिए गुरु की जरूरत, सच्चे गुरु की। और लेकिन सच्ची सच्चे गुरु जो युक्ति जानते हैं इसका गुरु भेद लेकर के आप कीजिएगा तो आपके अंदर अंदर का अंधकार भाग, जैसे आपके अंदर से अंधकार भाग जाएगा
महासुख हो जाए, ज्योति जो इनाम है अति सुख महासुख मिलेगा। जो दुनिया के किसी को जो ऐसा सुख नहीं मिल सकता वो सुख है आपके अंदर में ही, कहीं बाहर जाने का नहीं। इसके लिए घर छोड़ने की जरूरत नहीं है, परिवार छोड़ने की जरूरत नहीं है, रोजगार छोड़ने की जरूरत, सब कीजिए थोड़ा थोड़ा ध्यान भी कीजिए, यही संतों का उपदेश है। संत लोग यही उपदेश करते हैं कि अपना उद्धार आप कीजिए, सत्संग में इन सब बातों को समझिए कि अंधकार जाएगा कैसे। कोई हथियार है या कोई विद्वान ऐसी विद्या जानते हैं कि अंधकार भाग जाए? और सच्चे भेदी यदि गुरु मिल जाए, यदि आपको बतला देंगे और सच्चाई से मेहनत से श्रद्धा प्रेम से करेंगे तो आपको प्रकाश हो जाएगा। बिहार की एक कहानी है, बिहार दानापुर स्टेशन, वहां रेलवे के किराने थे, बंगाली से उनका नाम था श्यामा चरण लाहिड़ी, तो किराने काम करते थे। उनकी बदली हो गई उत्तर प्रदेश रानी के, तो जाके ज्वाइन किए। स्टेशन के बगल में एक छोटी सी पहाड़ी थी, उस पहाड़ी में लोग जाते थे घूमने, तो ई भी घूमते हुए पहुंचे पहाड़ी नजदीक। वहां एक बूढ़े बाबा बैठे हुए, बूढ़े बाबा कहते श्यामा आ गया, इनको बड़ा आश्चर्य, हम तो आधे आए हैं, कभी कहीं से हम भेंटो नहीं करते हैं, न किए हैं, ये हमको कैसे पहचान गए? ये जा कहते बाबा आप हम कैसे, कहा सुनो चलो हमारे साथ। ले गए पहाड़ी में गुफा, गुफा में ले गए, वहां से उतरा देते है करो। गए स्टेशन, दूसरे दिन चिट्ठी आई कि आपकी बदली गलती से हो गई, वापस आए, चले गए वापस दानापुर में। अब जो गुरु बतला दिए बाबा जी वो करने लगे, करने करते करते इनको अंदर में प्रकाश हो गया, लेकिन किराने काम ही छोड़े। एक दिन आई लेके एक बड़े ऑफिसर से अंग्रेज, उनके यहाँ जब गए फाइल लेके तो अंग्रेज बहुत दुखी, ये कहते हैं कि महाशय आप क्यों दुखी है? कहे देखो चिट्ठी आई है इंग्लैंड से, हमारी पत्नी बीमार है, अब मर गए कि बच गई कि कोई क्या ठिकाना है, और उस समय हवाई जहाज नहीं था, अब कैसे हम जाए वहाँ, यही चिंता हो रही। इन्होंने कहा आप चिट्ठी लिखिए हम जवाब ले आते हैं। कहा तुम कैसे जाएगा? कहा आप लिखिए तो। बहुत जोर दे के कहा तो लिखा कि तुम्हारी चिट्ठी तो मिली, अब तुम कैसी है, किस हालत में, तो जवाब दो। कहा हम जाएंगे कहीं नहीं, चिट्ठी लेके उन्हीं के कोठ में बैठ गए। एक घंटे के बाद उनकी स्त्री का उत्तर, स्त्री लिखती है कि घबराने की बात नहीं, बड़े अच्छे डॉक्टर से मेरा इलाज हुआ, मैं स्वस्थ हूँ, आप जब इच्छा कहते मिलिए। ये तो चिट्ठी पढ़ के आश्चर्य कि देवता है कि कौन ऐसा कर सकते हैं।
ले गए इनको इंग्लैंड और अपनी स्त्री से पूछा कि चिट्ठी लेके यही आया था। कहा चिट्ठी लेके तो आया, आपको जवाब जब हम लिख कर दे दिए, जब चले गए तो आपकी चिट्ठी हम पढ़े, तो आज ही की लिखी हुई चिट्ठी आज ही कैसे मिल गई, कैसे ही चिट्ठी लेकर आ गए। कहा तुमको तो यह असर है, अरे हमारे ही कुर्सी में बैठ कर तुम्हारे यहाँ किसे आ गया। कवासन है श्री सद्गुरु महाराज की सकते हैं। ये जो गरीब आदमी है, माई है, भाई है, या कोई भी है, किसी देश का आदमी है, किसी जाति के है, किसी धर्म के मानने वाले हैं, इसकी जुक्ति जान कर अपने अंदर में कीजिए। अंधकार से दिन भाग जाएगा, अपने का दूसरे के भी दुख को दूर कर सकते हैं। इसलिए इसीलिए गुरु की जरूरत, जो गुरु या गुरु ही नहीं जाने तो चलो क्या जानेगा। इसलिए भेदी गुरु चाहिए, भेदी गुरु से युक्ति जान कर थोड़ा थोड़ा कीजिए, तुरंत हो जाएगा। ये नहीं समझिए कि आज दिखा दिए कल हो जाएगा, तो करना पड़ता है, जो जितना मेहनत करेंगे उनको उतना होगा, लेकिन होगा जरूर। और एक बात और सुन लीजिए, सच्चे गुरु से जो दीक्षा लेते हैं तो मरने के बाद क्या देखिए, जो आदमी दीक्षा ले लिए हैं उसलिए भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि उसको कभी दूसरे जोड़ी में नहीं जाना पड़ेगा। भजन भेद में ज्ञान की युक्ति जानने वाले को मरने पर दूसरे जोड़ी में नहीं जाएंगे, जब भी होगा तो मनुष्य रूप में जन्म होगा। जब तक कि आपकी जो शुद्ध साधना पूरी नहीं होगी तब तक बार बार मनुष्य रूप मिलता जाएगा। और बढ़िया बढ़िया से मिलते जाएगा, और ध्यान करते करते ऊपर उठते उठते परम गति को प्राप्त करेंगे, जहाँ शांति मिलती है, जहाँ सुख नहीं रहता है, आवागमन का चक्र नहीं होता है। यही लाभ सच्चे सदगुरु से भेंट लेने पर होता है। इसलिए तुलसीदास जी महाराज ने कहा, अभी आप लोग रामायण सुन रहे हैं कि श्री गुरु पद रख मिल होती सच्चे गुरु जो होते हैं उनका ध्यान कीजिएगा, तो दिव दृष्टि बोलते हैं, जो अंधकार को पार कर जाते हैं उनको दिव दृष्टि होती। बैठे हैं यहाँ नागपुर स्टेशन पर, कौन गुरु गाड़ी आई कहाँ जाएगी यहाँ से भी कह सकते हैं। यही से इंग्लैंड में क्या हो रहा है, इंग्लैंड क्या तीनों लोग की बात कर सकते हैं, 14 तबका हो रहा है, 14 लोग की बात आ सकते हैं। ये एक प्रकाश की खोज में यही था, तो इससे इसको डाल करके करने की जरूरत है। खाली सुन लीजिए, हम तो कई बार यहाँ आए हैं, खाली लोग सुनते तो है जरूर, लेकिन कितना आदमी दीक्षा लेते हैं सोचते हैं बाबा जी बोल दिया, विश्वास से श्रद्धा नहीं। हमारे गुरु महाराज से एक विद्वान आदमी ने कहा कि आप जो कहते हैं कि हम धर्म प्रकाश होता है तो सही है। हमारे गुरु महाराज ने कहा कि देखो, तुमको भेद बतला देते हैं, ईमानदारी से करो, नहीं हो तो हमसे बात करो। करने वाले हनुमान जी की बात सुने, दूसरे भी बहुत हुए, जैसे अर्जुन से भगवान कृष्ण के महाभारत के मैदान में
अर्जुन मोहग्रसित हो गए। भगवान के 10 अध्याय तक सुनाए अर्जुन को, तो भी उनका मोह दूर नहीं हुआ। तब अर्जुन को जिन दृष्टि देते हैं गुरु, जो युक्ति बतलाते हैं उसी को ध्यान करने के लिए अंधकार को जो पार कर उनको दृष्टि हो जाती है, उससे वही दृष्टि भगवान कृष्ण दी अर्जुन को। अब उस दृष्टि देखते हैं विराट रूप, करोड़ों वीर उस विराट रूप के मुंह में लटक लटक के मर रहा, करोड़ से जुड़ा हुआ है। अर्जुन तो विराट रूप देख करके भयभीत हो गए। पढ़ लीजिए गीता, तो भगवान अर्जुन प्रज्ञा भगवान आप पहला रूप, तो भगवान फिर पहले रूप में आए और तो कहा कि अर्जुन देखा तो उसका मोह दूर हो गया। वो विराट रूप को देखा, एक अर्जुन ने देखा, दूसरा कोई वहां करोड़ आदमी थे। उसी तरह से जो युक्ति जान के ध्यान करेंगे अपने अंदर में अंधकार को पार करेंगे, प्रकाश मिलेगा। सारे दुख, कौन लोग मर के कहाँ जा रहे हैं, कौन लोग मर कहाँ से कहाँ आ रहे हैं, सब आप बैठे बैठे कह देंगे। यही युक्ति है गुरु की जरूरत। इसलिए ऐसे गुरु से भेद लेकर कीजिए थोड़ा थोड़ा, यही आप लोग मैं आप लोगों जो गुरु महाराज से सुने, संतों के सत्संग से सीखे, आप लोगों को सुनाए, यहाँ बुलाए तो हम आ गए। तो जो जानते हैं तो सुनाए, कीजिए नहीं कीजिए, नहीं कीजिएगा तो हमको इसमें कलमा करते रहेंगे, हमारा केस चलेगा। यदि हम जाके कोई हाकिम से कहें कि हम बहुत सुनाए, कोई हमारी बात नहीं मानते हैं, तो हमारा केस चलेगा। लिखने के बाद याद रखिए, नहीं हाँ तो नहीं, लेकिन उसी हाकिम के हाथ से एक नोटिस आवे हम नहीं लेंगे तो वारंट कुर्की होगा, पकड़ के ले जाकर नहीं जाए। उसी तरह से जो सच्चे सदगुरु से युक्ति लेके ध्यान करेंगे उनके पास जमराज नहीं आवेगा, और जो ईश्वर नहीं करेंगे तो जब जम राजा आने रहेंगे। नेक धर्म नहीं थी और मोंगरी मार के प्राण निकाल, मोंगरी मार के जब जीव को निकालता है तो जीव वहां रोता है, नहीं भैया। लोग कहते हैं कि विचार की वहां, अरे वहां कुटाई हो रही है कि वहां छुट्टी है। यदि जमबंधन से बचना है, नरकों में कभी न बचना है, तो संसार की माया छुट्टी है, दिल पर यह कर्ज मा लेना। सच्ची युक्ति जानकर ध्यान कीजिए, बोलिए शत्रु महाराज की जय। नाय काटा है।